मेरे दोस्तों, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना स्टार्ट करते हो तो आपके मन में एक डाउट आता है कि यार इसका स्कोप क्या है, क्या ये सच में चलेगा, क्या ये सच में बिजनेस बड़ा होगा, क्या आने वाले समय पर इसकी ग्रोथ है। ऐसा सवाल आपके मन में आता होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2018 और 19 में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रोथ कितना हुआ है। एक पेपर की कटिंग मैं आपके सामने अभी पढ़ के सुनाऊंगा। आपको ये दिखाऊंगा कि आज के समय में और पहले 2015 और 16 और 2018-19 के बीच का जो टर्नओवर है कितना डिफरेंस है, और आने वाले समय अगर मैं 2025 की बात करूँ आने वाले समय में कितना आगे होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी कभी सब्सक्राइब कर लो। और मैं फेसबुक में भी अवेलेबल हूँ @DKeshwani, और ट्विटर में भी मैं अवेलेबल हूँ @DKeshwani। जाइए वहाँ पे भी मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए। मैं अंकित केशरवानी, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित डी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। लेट्स मूव ऑन। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को उन सभी लोगों को जरूर भेजना जो कहते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग फर्जी काम है, ये तो नल्ले लोगों का काम है, नल्ले लोग इसको करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो मेरे दोस्तों, फैक्ट के साथ हम बात करेंगे, बात हम करेंगे प्रूफ के साथ, हवा में बातें नहीं होती है। तो ये वीडियो उनको जरूर भेजिएगा। अब मैं आपको वो पेपर कटिंग पढ़ने जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 13,080 करोड़ रुपए, ठीक है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली की खबर है। देश में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार वित्त वर्ष 2018-19 में 13,080 करोड़ रुपए का रहा, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 में यह आंकड़ा 8,308 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। कंपनी मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को यहां के एक कार्यक्रम में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA की सालाना रिपोर्ट 2018-19 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग कारोबार से 57 लाख लोग जुड़े हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 5.4% अलग है। डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में महिलाओं की संख्या अधिक है, ध्यान से देखिएगा, महिलाओं की संख्या अधिक है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 200 महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ रही हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में डायरेक्ट सेलिंग ने 2,500 करोड़ रुपए कर मतलब टैक्स के रूप में सरकार को चुकाए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में नए भारत की अपेक्षाएं पूरा करने की क्षमता है, इसके लिए कारोबार में नई प्रौद्योगिकी अपनाई जानी चाहिए। देखा मेरे दोस्तों, क्या बोलती है हमारी सरकार। पूरा रिपोर्ट दिया हुआ है कि 2018-19 में 13,080 करोड़ का टर्नओवर हो गया, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपए सिर्फ सरकार को टैक्स पे किए गए। और अगर मैं 2025 की बात करूं आने वाले समय पे, तो ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप काम करो चाहे ना करो, लेकिन ये इंडस्ट्री वहां तक जाएगी। तो अब ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर ये फर्जी काम था, ये फर्जी काम है, तो क्यों टर्नओवर हो रहा है, लोग क्यों जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी एक समस्या है, और डायरेक्ट सेलिंग ही उसका एक सलूशन है। और सबसे अच्छी बात ये कि महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि एक घर में रहने वाली औरतें क्या कर सकती हैं आज के समय में, ना तो वो दुकान खोल सकती है, ना तो घर से बाहर निकल सकती है, ना तो वो पुरुष प्रधान देश में क्या कर सकती है। तो नारियां इसको कर रही हैं क्योंकि ये उनको ऑप्शन देते हैं खुद से पैसे कमाने का। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा तथ्य है, उन सारे लोगों को दिखाओ जो लोग कहते हैं ये फर्जी काम है। तो मेरे दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी, और डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप तो आपने देख लिया हुआ है। अगर आप अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, ये वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे दोस्तों तुरंत के तुरंत कॉल करो और एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानिए, और कैसे आप मेहनत करके, जी हाँ मेरे दोस्तों, मेहनत करके, फर्जीवाड़ा करके नहीं, मेहनत करके आप पैसे कमा सकते हो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय।